हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थियरीज कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, तीन थियरीज कर चुके हैं। स्पीयरमैन की कर ली, मोनोफैक्टर जो बेने ने दी है, अल्फ्रेड बेने ने, तो सबसे पहले हमने अल्फ्रेड बेने की थियरी की थी, दूसरी हमने यूनिटरी थॉमसन ने दी थी, जो वो की थी थॉमसन नहीं जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन एंड स्टर्न, तो उन्होंने दी थी, वो भी कर ली। थर्ड जो है वो हमने स्पीयरमैन की थियरी भी कर ली, टू फैक्टर थियरी। तो आज है जी फोर्थ थियरी हमारी, ओलिगार्किक थियरी या सैम्पलिंग थियरी भी इसको बोल देते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। बहुत छोटी सी क्लास ये होने वाली है, बहुत थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल छोटी सी थियरी है, प्रेजेंटेड बाय मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए भाई। चलिए सैम्पलिंग थियरी, तो जी एच थॉमसन, ये नाम याद आ गया था मुझे शायद, तभी मैंने वो जॉनसन का थॉमसन याद हो गया। अच्छा, बहुत जगह है ना थॉमसन, ये स्पेलिंग आपको ये भी मिल जाएगी, पी नहीं मिलेगा, ओके, या पी होगा तो आप साइलेंट लगा लीजिए इसको। तो थॉमसन ने दी है जी, जी एच थॉमसन 1939 में, स्पीयरमैन की हमने बात की थी 1927 में। तो ये थोड़ा थोड़ा इनके लिंक्स याद रखा कीजिए कि किसके बाद कौन सी आई थी, ऑन द बेसिस ऑफ ये ईयर जो है, ओके। सो इस थियरी के अकॉर्डिंग, सैम्पलिंग थियरी है ये, कुछ एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं जो कि ग्रुप में होती हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड कुछ एक हो भी सकती है और कुछ एक नहीं भी हो सकती। कैसे, मतलब मान लो कुछ एक एक्टिविटीज हैं जो इस ग्रुप से रिलेट करती हैं और कुछ एक है जो इससे, तो अभी जो इस वाली है वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है कि आपको अगर ये एक्टिविटी आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप ये बी वाली एक्टिविटी भी कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये ए वाली एक्टिविटी कर लेते हैं तो यहाँ पे ये डी ई ये वाली एक्टिविटीज जो कि दूसरे ग्रुप से बिलोंग करती हैं ये आप कर पाएंगे, ओके। सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बिलोंग टू सर्टेन ग्रुप्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये अलग अलग ग्रुप हो गए जो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं, बट एक क्लोज रिलेशनशिप जो है हमें देखने को मिलती है बिटवीन द एबिलिटीज बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, जैसे ए और बी वाला था, ठीक है। सो सेम ग्रुप में जो एबिलिटीज लाए करती हैं वो हम, मतलब वो ज्यादा क्लोज रहेंगी, उनमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि अगर आप एक अच्छे से कर रहे हैं तो दूसरी भी अच्छे से कर लेंगे, ओके? तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई कि एक तो ग्रुप के अंदर वाली चीजें और एक दूसरे ग्रुप की बात हो रही है, ओके? तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं किसी एक ग्रुप ऑफ नॉलेज में मे नॉट बी इंटेलिजेंट इन अदर ग्रुप। मान लो ए काम अच्छे से कर रहे हैं, वो ये नॉलेज रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो डी भी अच्छे से करेंगे, ओके? बट ही मे बी इक्वली इंटेलिजेंट इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, ये सेम वाली आएगी इस वाले ग्रुप में, तो वो इक्वली इंटेलिजेंट हो सकता है ए के साथ साथ बी में, लेकिन जरूरी नहीं है वो डी में भी इंटेलिजेंट हो। इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये बहुत अच्छे से दिखा रखा है, जो ओलिगार्किक थियरी इसको बोलते हैं, ये साइंस ग्रुप है हमारा, ये ह्यूमैनिटीज का ग्रुप है, तो अब साइंस ग्रुप में आ गया फिजिक्स, अदर्स, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज में आ गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, इस तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं जो सैम्पलिंग थियरी है हमारी, कि ये जो एरिया है ना, मतलब ये जो ग्रुप है, अब कोई बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो केमिस्ट्री में भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई फिजिक्स में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो हिस्ट्री में भी अच्छा हो। इतनी सी बात है कि दो अलग अलग ग्रुप है, उन ग्रुप में कोई ताल्लुकात ना हो, ऐसा हो सकता है, और एक विद इन द ग्रुप जो है एक्टिविटीज बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो ये इंटेलिजेंट किसको बोल रहे हैं, ये उस बच्चे को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं जो मान लो फिजिक्स में अच्छा है और केमिस्ट्री में भी अच्छा कर लेता है, लेकिन अगर वो बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो वो हिस्ट्री में अच्छा हो, ऐसा जरूरी है नहीं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये देखिए, द चाइल्ड हु इज इंटेलिजेंट इन वन ग्रुप ऑफ नॉलेज, तो वो जो फिजिक्स तो उसको अच्छी आती है यहाँ पे, तो वो इंटेलिजेंट है लेकिन हिस्ट्री में नहीं है, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, ओके। तो ये ओलिगार्किक थियरी जो है, ओलिगार्किक थियरी जो है वो ये हमारी रहेगी, इसको सैम्पलिंग थियरी के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ये एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, और दूसरा जो है आपको थॉमसन का नाम याद होना चाहिए, कहीं आप नाम में गड़बड़ कर दें, क्योंकि कई बार सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है कौन सी थियरी किसने दी है, ओके। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.